नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद हैं मेरे सहयोगी निधि, प्रीति और समीर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज की एक बड़ी खबर जो हरियाणा से आई। हरियाणा के नूह में आज एक बार फिर नकल की तस्वीरें सामने आई हैं। शिक्षा मंत्री और शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के दावों की पोल खुली है। उनके वादों के बावजूद आज एक बार फिर नकल होती हुई दिखाई दी। 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में जमकर नकल हुई। यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नकल किस तरह से की जा रही थी, उसकी तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुई। बुजुर्ग, युवा और लड़कियों ने किस तरह से कराई नकल, वो आज देखने को मिला। कल तस्वीरें नकल की सामने आई थी, लेकिन आज एक बार फिर उसी तरह की नकल होते हुए दिखाई दी नूह में। कहने को तो ये परीक्षा है। हरियाणा के नूह में नकल की तस्वीर कह रही है कि परीक्षा है तो क्या हुआ, नकल पर मेरी मर्जी चलेगी। ये तस्वीरें नहीं है, बिल्कुल नहीं। नूह की इन तस्वीरों ने प्रशासनिक दावे की पोल खोल दी है। लोग उछल कूद कर चिट पुर्जे पहुंचाते रहे, कोई खिड़की से, कोई बरामदे से, कोई छत से तो कोई अहाते से, कोई कोना नहीं छोड़ा। 10वीं के अंग्रेजी के पेपर में जमकर नकल हुई। तस्वीरें यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है। नकल कराने वालों के हौसले देखिए। बुजुर्ग, युवा और लड़कियां भी नकल कराने में आगे हैं। कई स्कूलों में पुलिस दूर दूर तक नजर नहीं आई। वहीं कई स्कूलों में कम संख्या होने के चलते पुलिस बेबस नजर आई। इधर 5 मार्च को नूह के तावड़ू के चंद्रावती स्कूल में नकल कराने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया, लेकिन नकल करने वाले यहां भी पहुंच गए। देखिए किस तरीके से खेतों के बीच में स्कूल के पीछे ये तमाम लोग मौजूद हैं, अपना मुंह छुपाते हुए। पुलिस ने जब इनको स्कूल के पीछे दीवार से खदेड़ा है तो वो इस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। और जयपुर 2021 एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई तेज कर दी गई है। पेपर लीक के आरोपियों और मास्टरमाइंड के घरों की कुर्की जब्ती शुरू हो गई है। राजस्थान एसआई भर्ती को लेकर पेपर लीक मामले के आरोपियों और मास्टरमाइंड के घरों की जब्ती शुरू कर दी गई है। पुलिस ने वैशाली नगर, बगरू, हीरापुरा पावर हाउस सहित अन्य जगह कार्रवाई की। सुरेश ढाका की वैशाली नगर आशापूर्णा एम्पायर की संपत्ति को भी ईडी ने सीज कर लिया है। 1538 स्क्वायर फीट में बने आलीशान आवासीय फ्लैट पर अब ईडी का कब्जा है। पेपर लीक के सरगना के सुरेश ढाका सहित अन्य आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की गई। बगरू की मैसर्स जीबी प्राइम स्टील इंडस्ट्रीज को भी ईडी ने सील कर दिया है। इलची सारण, इंदुबाला सारण के नाम से बगरू की संपत्ति बताई जाती है। इनके अलावा गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण की संपत्तियों को भी सीज कर लिया गया है। रजनी विहार के मकान नंबर 67C पर कब्जे के बोर्ड लगा दिए गए हैं। बहरहाल 3 साल बाद एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली के सामने आने के बाद अभी तक एसओजी ने 40 ट्रेनी एसआई को चिन्हित किया है। इसके साथ ही एसओजी 640 एसआई के एडमिट कार्ड की फोटो, परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी, अटेंडेंस रजिस्टर में किए गए हस्ताक्षर की एफएसएल जांच करवाएगी। एफएसएल की 3 सदस्य कमेटी ने गिरफ्तार आरोपियों के हस्ताक्षर के नमूने लिए हैं।